इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है शशि थरूर के बयान पर, जो उन्होंने कहा है कि 2019 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। बीजेपी इधर माफी की मांग भी कर रही है। मैंने सुना है शशि थरूर का बयान, लेकिन तो बीजेपी वाले ही कहते हैं कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो पाकिस्तान हो जाएगा, जो पाकिस्तान चले जाए, जो बीजेपी को नहीं जाएगा वो मुसलमान है, वो सब पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान परस्त है। हम आते हैं मुद्दे पे, पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस ये कि हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था का सम्मान है। यहाँ पे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जिसकी विधानसभाओं में जनादेश नहीं मिला है, राजभवन से दिल्ली के सत्ता के बल से विधानसभाओं को लूटा जा रहा है। आप डरा क्यों रहे हैं सर? क्या ये डराने वाले बयान? हाँ कहिए। डराने वाले बयान सिन्हा जी से पूछिए, अभी मैं उसी पे आ रहा था। केंद्रीय मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान की पात्र रक्षा करेंगे, जिसमें हर लोग हैं, उन अपराधियों को जो देश छूट के आते थे केंद्रीय मंत्री सम्मानित करता। केंद्रीय मंत्री उन अपराधियों के प्रति आंसू बहाता है कि इनसे ज्यादती हो रही है, और जिनके बलात्कार होता है उनके साथ केंद्रीय मंत्री लोग खड़े रहते हैं। सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं। बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जेलों में, बच्चियों को जमेशा में तलाशी में बड़े कपड़े पहने तो आशीष काट दिए जा रहे हैं कि नकल के पक्षी रखे हो गए, लेकिन अस्पताल जेलों में सोफिस्टिकेटेड वेपन पहुंच जा रहे हैं। सर छोटा सा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? अरे बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आप संविधान को झूठा बता रहे हो। ठीक है, मिल गया आपका जवाब सर, मिल गया आपका जवाब। पूरा बैंक लूट के लेट करे जा रहे हो, काला धन आप सफेद कर दे रहे हो, आज इतने रुपए बैंक में कैसे जमा तो नहीं हो सकता, जमा करके दे रहे हो। लोकतंत्र आप हर जगह कमजोर कर रहे हो, लूट तंत्र से सत्ता में बैठे। ठीक है, आप लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह। आपको बता दें कि अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनका कहना है कि लोकतंत्र को कमजोर कर रही है दरअसल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शशि थरूर के जिस बयान को लेकर ये पूरा विवाद है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। शशि थरूर कौन है आप जान लीजिए। शशि थरूर पूर्व राजनयिक है और कांग्रेस के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, पूर्व डिप्लोमैट रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में भी वो पोस्टेड रहे, वहां काम कर चुके हैं शशि थरूर। और उन्होंने ही ये बयान दिया कि अगर 2019 में बीजेपी जीती तो हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे। 2009 से तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं थरूर, 2009 में पहली बार सांसद बने, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं शशि थरूर। आईपीएल विवाद को लेकर मंत्री की कुर्सी चली गई थी, पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद उस पे से वो विवाद के घेरे में है। थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने का आरोप है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।